मुस्लिम ममालिक की 56 फजे दुश्मन का साथ देती हूँ, अपनों का साथ न देती हूँ। कोई है जो फलस्तीनियों का साथ देता हो? चारों तरफ मुस्लिम ममालिक है, उर्दन भी है और शाम भी है, मिस्र भी है, सऊदीया भी है, कोई फौज नहीं उठती मुसलमानों की फलस्तीनियों की मदद के लिए। कोई है कि जो कश्मीरियों के बारे में पूछता हो, उनके शब रोज हाल अहवाल को जानता हो? 7 लाख भारत की फौज है जो चारों तरफ दंदनाती फिर रही है। ये और बात है कि वो भी डिमोरलाइज हो गई है। जज्बे जहाद का जिक्र कीजिए, शौक शहादत की बात कीजिए, रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर सजदा रेज हो जाइए कि नहित्ते लोग हैं, अफगानी भी नहित्ते हैं, फलस्तीनी भी नहित्ते हैं, कश्मीरी भी नहित्ते हैं, शीशानी भी नहित्ते हैं, नहित्ते लोग हैं, बेसर और सामान लोग हैं, लेकिन इन सब का सहारा अल्लाह तबारक व ताला की जात है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ये जो हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, महज नारा नहीं लगाते, और हम सब मिलकर भी ये नारा लगाएं तो उसकी किबरियाई में शम्मा बराबर इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन जब ये नारा लगाते हैं तो उससे कुर्बत पैदा करते हैं, रुजू अल्लाह की तहरीक शुरू करते हैं, दिलों के अंदर उसके जिक्र को आहिस्ता और बुलंद आवाज से बुलंद करते हैं। इस नारे के नतीजे में उसकी बड़ाई से हम हिस्सा पाने की कोशिश करते हैं, उसकी नुसरत और उसकी ताईद चारों तरफ साया किए रहे वो मंजरनामा पेश करते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, तारीख में ये बात फिर से दोहरा दी गई है कि पहले अफगानों के हाथों बरतानिया को शिकस्त हुई थी, वो जिसके यहाँ सूरज गुरूब न होता था, फिर इन्हीं अफगानों और तालिबान के हाथों सही मानों में शिकस्त हुई थी, रूस को शिकस्त हुई थी, उसका सोशलिज्म, उसका कम्युनिज्म उसके काम ना आ सका, उसकी बेखुदा मईशत, उसकी बेखुदा सियासत उसके काम ना आ सकी, और उसका सोशलिज्म मशरकी यूरोप तक हवाओं के अंदर तहरीर हो गया, और वो जो 70 साल से बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, ये इज्जत किसके हाथ में आई, ये जिल्लत किसने आती हुई देखी।